मानसून का आगमन लगभग हो चुका है तथा इस वर्ष भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है और ऐसे में शहर की नालिया तथा शहर के मध्य बहने वाली कोलान नदी के पात्रों की साफ सफाई का कार्य मानसून पूर्व ही हो जाना था लेकिन अब तक नगर प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की मानसून पूर्व तैयारी का मुहूर्त निकलता दिखाई नहीं पड़ा है ऐसे में अगर दो चार दिन भारी बारिश हो जाती है तो निचली बस्तियों में जल जमाव की संभावनाएं बढ़ सकती है बता दे की शहर के चारों ओर राज्य तथा अंतर्राज्यीय महामार्ग निर्मित तथा मार्गो की ऊंचाई अधिक होने से अचानक हुई भारी बारिश तथा नदी नालों में आए बाढ़ के कारण जल निकासी की समस्या निर्माण होकर शहर की अनेक बस्तियों में जल जमाव की स्थिति बनती देर नहीं लगती है ऐसे हालातों का सामना बारिश में नगर प्रशासन के साथ ही तालुका आपदा प्रबंधन करना पड़ा है तथा शहर के सैकड़ों परिवारों को आनंद फानन में स्थानांतरित कर उनके जान माल की सुरक्षा करने हेतु काफी मशक्कत करनी पड़ी है हर वर्ष घटित होने वाली इन घटनाओं से संज्ञान लेकर इस वर्ष मानसून पूर्व सर्वेक्षण कर हल्की तथा भारी बारिशों में प्रभावित होने वाले इलाके तथा घरों को चिन्हित करने का कार्य नगर प्रशासन का है जिनमें कोला नदी से सटे पोला मैदान ईदगाह झोपड़पट्टी किल्लापुरा दीवरपुरा यशवंत नगर झोपड़पट्टी सटवा माता प्रभाग पवारपुरा आई परिसर लालबाग झोपड़पट्टी अम्बेडकर वार्ड पहले बार जयसवाल लेआउट खापा रोड आंबा आदि स्थानों के निचली बस्तियों से जल निकासी व्यवस्थापन हेतु तो नालियों की सफाई तथा सर्वेक्षण का कार्य और विभागीय अधिकारी तथा प्रशासक नगर पालिका सामनेर संपत खलाटे तहसीलदार मलिक विरानी मुख्याधिकारी किरण बकड़े आदि वरिष्ठ अधिकारी का ध्यान कोलान नदी के साफ सफाई की ओर अब तक नहीं किया है ऐसे में अगर रात के समय भारी बारिश से कोलान नदी का जल स्तर बढ़ने जैसी स्थिति निर्माण होती है तो निचली बस्तियां जलमग्न होने का खतरा पड़ जाता है अभी भी वक्त रहते कोला नदी के पात्रों में उगाए विश्रम तथा कटीले पेड़ों के साथ साथ शहर की नालियों की सफाई की जाए तो बहुत हद तक आपदा जैसी स्थिति को टाला जा सकता है सामने शहर के चिकन और मछली व्यवसाय द्वारा शहर के माध्यम से बहने वाली कोला नदी के पुलिया पर से दिन भर के व्यवसाय के मुर्गियों के मांस के लोथड़ी सीधे तौर से नदी में फेंके जा रहे हैं जिससे पुलिया पर मुर्गियों के बांस के लोथड़े तथा बिखरी पड़े रहते हैं जिससे पुलिया पर हमेशा ही आवारा कुत्तों का आतंक रहता है तो वही कुछ दिनों पहले ऐसी जगह हुई दुर्घटना में एक बालक की मौत भी इस विषय से जोड़ा जा रहा है तो वही नगर प्रशिक्षण के स्वास्थ्य विभाग की लचर कार्य फिर उजागर होकर सर्वत्र किरकिरी हो रही है ज्ञात हो कि जिस पुलिया पर से ये मासो के लोथड़े नदी में फेंकी जाते हैं वो साधे शहर के दो भागों को जुड़ने वाला पुलिया तथा पुलिया के दोनों तट पर सारस्वत पब्लिक स्कूल कला वाणिज्य महाविद्यालय आईटीआई तथा बस्तिया है उक्त पुल पर से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं साथ ही बढ़ते संक्रमण को देखते हुए साधे नगर प्रशासन की ओर से शहर में मछली विक्रेता व सेंटर चलाने वालों पर कठोर कार्यवाही हो ऐसी मांग की जा रही है एनबीसी न्यूज के लिए सामने से छवि राठौड़ के साथ किशोर ढूंढे की रिपोर्ट 125 वर्षों से महर्षि ऐसी स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट 100 परसेंट इंटर्नशिप सैनिटाइज हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा बस सुविधा स्कॉलरशिप आज ही प्रवेश ले कमिन्स ब्रांच कुछ हसो माझी निबड़ कमिंस नागपुर